दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ए फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम, फिल और क्लियर, इन ऑप्शंस का उपयोग कैसे किया जाता है। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो मुख्य उपयोगिता होती है वह होती है ऑफिशियल कार्यों में, और ऑफिशियल कार्यों में मुख्यतः जोड़ घटाना, गुणा करना या विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन के कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो ऑटो सम का ऑप्शन है, यह ऑटो सम बहुत सारे बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कम समय में पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब जैसे आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बच्चों का रोल नंबर, नाम और अलग अलग सब्जेक्ट में इन बच्चों ने क्या क्या नंबर पाए हैं, यह दिया हुआ है। अब जैसे आप यह मान लीजिए कि आप सभी बच्चों के टोटल मार्क्स को निकालना चाहते हैं। जैसे यहाँ राजेश कुमार सिंह हैं, आप यह देखना चाहते हैं कि राकेश कुमार सिंह ने टोटल कितना मार्क्स अर्जित किया है, महेश कुमार चौरसिया ने टोटल कितना मार्क्स अर्जित किया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले दिखाई देने लगेगा। यह जो डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है, यह जितने एरिया को कवर करेगा, उस एरिया के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, उन सभी नंबर्स को ऐड करके टारगेटेड सेल में रिजल्ट शो कर देगा। जैसे एक पल के लिए मान लीजिए, जब आपने ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक किया है, इतनी एरिया का सिलेक्शन आपके कंप्यूटर ने कर लिया है। अब यदि आपको जरूरत समझ में आती है कि आप सिर्फ इतनी ही एरिया का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इतनी ही एरिया का योग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस प्रकार से सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल हमें इन सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स चाहिए, तो हम सभी सब्जेक्ट्स के मार्कों को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कीबोर्ड की इंटर बटन पर प्रेस कर देते हैं। इंटर बटन पर प्रेस करते ही इन सभी सब्जेक्ट्स में राजेश कुमार सिंह ने जितने मार्क्स अर्जित किए हुए थे, सभी अंकों को ऐड करके रिजल्ट आपको यहां पर दे दिया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम महेश कुमार चौरसिया का टोटल मार्क निकालना चाहते हैं, तो हमें जिस सेल के अंदर टोटल मार्क चाहिए, हमने उसको टारगेट कर लिया है और उसके बाद ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक करके कीबोर्ड की इंटर बटन पर प्रेस कर दिए। लेकिन दोस्तों, बार बार इस प्रकार से ऑटो सम के ऑप्शन को चयन करना जरूरी नहीं है। इसके लिए जब एक बार आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, उसके बाद यदि आप सेल के ऊपर ध्यान देंगे, तो इस समय एक सेल के राइट साइड में नीचे की ओर एक छोटा सा वर्ग बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस वर्ग के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे, आपके माउस का जो कर्सर है वह छोटे प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे ही यह छोटे प्लस में चेंज हो जाता है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हुए आप नीचे की ओर जितनी एरिया में इस ऑटो सम के फार्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके और आप छोड़ दें। ऐसा करते ही यह फार्मूला जितनी एरिया में आपने लगाया होगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों, एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि सभी बच्चों ने जितने नंबर पाए हैं, यह टोटल नंबर कितना है, हमें आवश्यकता होती है कि हम इस सेल के अंदर सभी बच्चों के पूर्णांक को ऐड कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस सेल में हमको पूर्णांक ऐड करना है, उस सेल को हम टारगेट कर लेते हैं और उसके बाद ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि इस समय बाय डिफॉल्ट यह इतनी एरिया का सिलेक्शन कर रहा है, जबकि हमें इस एरिया को सिलेक्ट नहीं करना है, तो हम अपने माउस की सहायता से जिस एरिया का सिलेक्शन करना है, ड्रैग करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इंटर की बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इन चीजों का उपयोग रिजल्ट बनाने में या फिर कोई हिसाब किताब करने में आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ ऑटो सम के जस्ट बगल में एक छोटी सी एरो बनी हुई दिखाई दे रही होगी, जिसका मुंह नीचे की ओर है। जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो कुछ नए ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन सम का था, इस सम के ऑप्शन को ही हम
हमने अभी अप्लाई किया है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन एवरेज का है। एवरेज का क्या मतलब है और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, हम चाहते हैं कि इसका एवरेज निकल जाए, अर्थात हम यह जानना चाहते हैं कि राजेश कुमार सिंह ने एवरेज नंबर क्या पाया है। तो उसके लिए जिस सेल के अंदर हम एवरेज निकालना चाहते हैं, सबसे पहले उस सेल को टारगेट कर लेते हैं और उसके बाद ऑटो सम के ऑप्शन पर जाकर और एवरेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कुछ एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ यह जो टोटल मार्क है, हमें इसका एवरेज नहीं चाहिए, हमें इस सेल का एवरेज नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम जितनी एरिया के नंबर्स का एवरेज मार्क चाहिए, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपने कीबोर्ड की इंटर बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, राजेश कुमार सिंह का जो एवरेज मार्क है वह है 82। अब यदि इस फार्मूले को नीचे के सेल में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से ड्रैग करके आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब यही ऑटो सम के इस छोटी सी एरो के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो तीसरा ऑप्शन है काउंट नंबर्स का। जैसे मान लीजिए हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी काउंट्स की गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस सेल के अंदर काउंटिंग नंबर निकालना है, हम सबसे पहले उस सेल को टारगेट करते हैं और फिर इस छोटी सी एरो पर क्लिक करके काउंट नंबर पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें जितनी एरिया का काउंट नंबर निकालना है, हम उस एरिया का सिलेक्शन करके और कीबोर्ड की इंटर बटन पर प्रेस कर देते हैं। ऐसा करते ही यह काउंट नंबर 5 शो कर रहा है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से इसने 5 नंबर दिखा दिया। अब यदि हमें इस फार्मूले को नीचे के सेल्स में भी अप्लाई करना है तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो सम के बगल में जो छोटी सी एरो बनी है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन है मैक्स और मिनिमम का। इसकी उपयोगिता क्या है? जैसे मान लीजिए कभी आपको आवश्यकता समझ में आती है कि यह जितने नंबर्स दिए गए हैं इसमें मैक्सिमम नंबर बच्चे ने क्या पाए हैं या इन सेलों का मिनिमम नंबर क्या है, तो उसके लिए तो सम का यह मैक्सिमम और मिनिमम ऑप्शन आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे मान लीजिए हम मैक्सिमम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इस एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसका हमको मैक्सिमम नंबर पता करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 92 नंबर आ चुका है, जो कि बच्चे का मैक्सिमम नंबर है। ठीक इसी प्रकार से यदि मिनिमम नंबर पता करना है तो हम इस ऑटो सम के बगल में जो छोटी सी एरो बनी है यहाँ पर क्लिक करके और मिनिमम ऑप्शन का चयन कर लेते हैं। इसके बाद जिस एरिया से हमको मिनिमम नंबर निकालना है उस एरिया का सिलेक्शन करके कीबोर्ड की इंटर बटन पर प्रेस कर देते हैं। तो हमें 69 नंबर मिल चुका है, जो कि बच्चे का सबसे कम मार्क है। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑटो सम ऑप्शन के अलग अलग ऑप्शंस का आप उपयोग करके और इसकी सहायता से बड़े कार्य को काफी आसान कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फिल का। इस फिल ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, आइए अब इसको समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले कुछ नंबर्स नोट कर लेते हैं, रैंडम नंबर हम नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ नंबर नोट कर लिए हैं। अब जैसे हमें आवश्यकता समझ में आती है कि इस सेल के अंदर हमको ऊपर का नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस सेल में नंबर हमको एंट्री करना है उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल ऑप्शन पर जाकर डाउन वाली एरो पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही ऊपर की सेल में जो नंबर्स लिखा हुआ था वह ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम राइट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं तो जो लेफ्ट सेल के अंदर जो ऑप्शन लिखा होगा वह इस टारगेटेड सेल के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका उपयोग करके लेफ्ट राइट अप डाउन इन सभी ऑप्शन का इन सभी सेल्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वह टारगेटेड सेल के अंदर आ जाएंगे। अब इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है या क्या उपयोग हो सकता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह रोहित यादव के कुछ नंबर मिले हुए हैं और हम यह चाहते हैं कि यह जो नंबर्स हैं गलती की वजह से या किसी कारण से हम यह चाहते हैं कि ऊपर में जो नंबर दिया हुआ है यह नंबर इस रो के अंदर आ जाए, तो हम सबसे पहले यह पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस रो के अंदर हमको ऊपर वाले रोज के नंबर चाहिए। इसके बाद हम फिल ऑप्शन पर जाते हैं और डाउन
डाउन एरो पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही ऊपर की सेल में जितने नंबर थे आप ध्यान दे रहे होंगे, तो इस समय वह पूरे के पूरे नंबर आपके इस नई सेल में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कॉलम के अंदर भी इस फील ऑप्शन का उपयोग करके देख सकते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं क्लियर ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके लिए दूसरी सीट पर मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यह जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं या सभी ऑप्शंस को हम हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस क्लियर ऑप्शन पर क्लिक करके पहला ऑप्शन क्लियर ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितनी भी चीजें दी गई होंगी या आपने लिखा होगा वो सभी की सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए एक बार फिर से इसको हम अंडू कर लेते हैं। अब दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम किसी सेल के अंदर कोई नंबर लिखना हो तो नॉर्मल वे में यह नंबर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर की सेटिंग होती है। अब ये जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर की सेटिंग होती है, इसके अंदर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग लगाकर आप अपने टेबल को, टेस्ट को या नंबर्स को आप खूबसूरत बनाते हैं। जैसे आप इसको कलर लगा सकते हैं, इसके ऊपर अलग अलग तरीके के फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस समय जो आप यह नंबर्स देख रहे हैं, इस पर कई तरह के फॉर्मेटिंग किए गए हैं, और यह जो नंबर्स नए नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। हम भविष्य में जब कभी आप कोई कार्य कर चुके होते हैं और उसके बाद आपको जरूरत समझ में आती है कि इस पर जो भी फॉर्मेटिंग की गई है वह पुरानी फॉर्मेटिंग आपको हटाना हो, लेकिन ये जो कंटेंट है या 92, 14, 95, यह जो सभी कंटेंट है, इस कंटेंट को आप नहीं हटाना चाहते, लेकिन इस पर जो फॉर्मेटिंग हुई है सिर्फ इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्लियर ऑप्शन पर जाकर और क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करते ही जितने भी फॉर्मेटिंग इस नंबर्स के ऊपर या टारगेटेड सेल, रो या सीट पर जितने भी फॉर्मेटिंग होगी वह सारी की सारी फॉर्मेटिंग समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों आइए एक पल के मान लेते हैं कि आप फॉर्मेटिंग नहीं हटाना चाहते, सिर्फ यह जो कंटेंट है यानी यह जो नंबर लिखे हुए हैं सिर्फ उनको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर रख लेते हैं, और बेहतर समझने के लिए हम इसके बैकग्राउंड में कलर डाल देते हैं। अब देखिए, अब यदि हमको सिर्फ कंटेंट हटाना है, इस पर जो फॉर्मेटिंग की गई है इस फॉर्मेटिंग को हम हटाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए इस क्लियर ऑप्शंस पर जाकर और क्लियर कंटेंट्स पर क्लिक करते ही जितने कंटेंट होंगे वह सारे कंटेंट हट गए हैं, लेकिन इस पर जो पुरानी फॉर्मेटिंग की गई है वो फॉर्मेटिंग एज वेल एज पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर 92। देखिए फॉर्मेटिंग में कोई भी अंतर नहीं आया है। पीछे बैकग्राउंड का कलर मैंने येलो कलर का रखा हुआ था, वह कलर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और जो फॉर्मेटिंग इस पर रखी गई थी इसको बोल्ड बनाकर रखा गया था, इसका जो फॉन्ट है एजेंसी FV फॉन्ट में रखा गया था। तो यह जो जितनी भी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग पहले की ही तरह से है, सिर्फ कंटेंट जो इसमें लिखे हुए थे वह कंटेंट हट चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर अब यदि आप ध्यान देंगे तो दो ऑप्शन और दिए जा रहे हैं, क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स और क्लियर हाइपर लिंकिंग। तो अभी तक हम लोगों ने कमेंट के विषय में और हाइपर लिंकिंग के विषय में नहीं समझा है, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो जब हम किसी सेल के ऊपर कमेंट करें या नोट लगाएंगे या फिर हम हाइपर लिंकिंग करेंगे और उसको जरूरत समझ में आएगी कि हम उसको हटा दें, तो उसको हटाने के लिए इन ऑप्शन की उपयोगिता होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपने ऑटो सम ऑप्शंस को, फिल ऑप्शन को और क्लियर ऑप्शन को बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, एक बार आप अपने कंप्यूटर को ओपन कीजिए, एक्सेल की सीट पर अलग अलग तरीके से वर्क कीजिए, आप ऑटो सम, एवरेज और जो दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं उनको सीखिए। यदि दिक्कत समझ में आती है तो दोबारा फिर इस वीडियो को देखिए, और इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या समझ में आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और अपने साथी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और साथ में आपको बेल आइकन जरूर क्लिक करना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर कर दें एक जोरदार क्लिक,
और निश्चित रूप से आपके दोस्तों को, आपके अपनों को इस वीडियो में दी गई जानकारी होनी ही चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं यह जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंचे, आपके अपनों तक पहुंचे, तो इस वीडियो के नीचे जो शेयर की बटन बनी है उस पर क्लिक करके अपने सोशल अकाउंट के साथ, अपने दोस्तों, अपने अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर, हमारे इस चैनल को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।